In continuation with this chapter, now let's study one of the important topic, that is electrical resonance of LCR series circuit. Let's first study about electrical resonance. It is the phenomena at which system oscillates or LCR electrical circuit with particular frequency called system's natural frequency. Or also known as resonant frequency. And at this frequency, the current flows through the circuit will be maximum, or the response in the form of output will be maximum in the circuit. तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि अगर किसी सिस्टम को एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे ऑसिलेट कराया जाए, यानी कि उसके सिस्टम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी पे ऑसिलेट कराया जाए, तो वो रेजोनेंस की कंडीशन क्रिएट करता है. और अगर एक सिस्टम में एसी वोल्टेज सप्लाई की गई है और उसके पास ड्रिवन फ्रीक्वेंसी है, यानी कि उसके पास नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी है अदर देन रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के साथ साथ बहुत सी और भी फ्रीक्वेंसीज हैं जिस पे करंट फ्लो होता है सर्किट में. तो जब ड्रिवन फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू, एंड दिस ड्रिवन फ्रीक्वेंसी कैन बी डिनोटेड एज ओमेगा और सबस्क्रिप्ट में डी है, या फिर हम इसको सिंपली ओमेगा से भी डिनोट कर सकते हैं. व्हेन ओमेगा डी इज इक्वल टू रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, देन दैट एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन विल बी मैक्सिमम. तो जो ड्रिवन फ्रीक्वेंसी है, ड्रिवन फ्रीक्वेंसी अगर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो जाती है, तो एम्पलीट्यूड सर्किट का मैक्सिमम होगा, एंड दैट इज द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस. Now this resonance occurs due to inductor and capacitor present in a circuit. Resonance occurs due to the presence of both L and C in the circuit, as both inductor and capacitor stores energy, and because of this, this inductor and capacitor produces oscillation. As well as resistance reduces this oscillation.
Another point is at resonance condition, the circuit is equally capacitive and as well as inductive. It is equally capacitive or inductive, or this implies that inductive reactance is equal to capacitive reactance. If in the circuit only RC और अगर RL है, सिर्फ RC और RL का कॉम्बिनेशन है, तो रेजोनेंस क्रिएट नहीं होगा. इसका रीजन ये है कि अगर एसी सोर्स से एल और सी कनेक्टेड हैं, तो क्योंकि इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों एनर्जी को स्टोर करते हैं, तो जैसे ही इसको वोल्टेज इन एलिमेंट्स में वोल्टेज आएगी, तो इससे इनमें एनर्जी स्टोर होगी, और एनर्जी स्टोर होने के कारण ये सर्किट में ऑसिलेशन प्रोड्यूस करेंगे. पर हर सिस्टम में एक रेजिस्टेंस या सिस्टम रेजिस्टेंस के बगैर एज्यूम नहीं किया जा सकता, तो उसमें एक रेजिस्टेंस भी होता है, और बिकॉज ऑफ दैट रेजिस्टेंस ऑसिलेशन डिक्रीजेस विद टाइम. अगर हम इस सर्किट को शॉर्ट सर्किट कर देंगे, तो ये इंडक्टर और कैपेसिटर तब भी ऑसिलेट करते रहेंगे, क्योंकि इंडक्टर कैपेसिटर को चार्ज करेगा बाय सप्लाइंग इलेक्ट्रिक करंट, एंड व्हेन द कैपेसिटर गेट्स चार्ज, इट अगेन ट्रांसफर एनर्जी टू द इंडक्टर. तो ऐसे ये ट्रांसफर करते रहते हैं एनर्जी को और ऑसिलेट होते रहते हैं, पर इस ऑसिलेशन को डिक्रीज करता है और बिल्कुल फिनिश कर देता है दिस रेजिस्टेंस इफ़ वी आर नॉट कीप ऑन सप्लाइंग दिस एसी वोल्टेज इन अ सर्किट. नाउ लेट्स स्टडी अबाउट रेजोनेंस कर्व. इट इज बिटवीन करंट एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी. Initially, when the frequency is zero, there is no flow of current in the circuit, and when the frequency is very high, then also there is no current flows in the circuit. And this extreme position is known as, this is the maximum amplitude at which driven frequency is equal to resonance frequency, and this position gives maximum current in a circuit, and this is the situation of resonance where XL is equal to XC. This is the lower frequency and this is higher frequency, and this point is at resonant frequency. Now why at this point current is zero? The reason is, as we know that XL is equal to L omega and XC is equal to 1 by C omega. And when omega is equal to zero, this is a lower frequency, then when we will substitute here, we get XL is equal to zero and XC
इज इक्वल टू इनफाइनाइट. देयरफॉर इन दिस सिचुएशन कैपेसिटर एक्ट्स एज ए ओपन सर्किट इन विच ऑब्स्टिकल इज मैक्सिमम, सो नो करंट विल फ्लो थ्रू द सर्किट एंड दिस बिहेव्स एज अ ओपन सर्किट. Thus, at this situation, no current pass through RLC circuit, and when angular frequency is maximum, that is infinity, then XL is equal to infinity and XC is equal into zero. Then also, this inductor will behave as an open circuit. That is again, at this point, no current will pass through LCR circuit. Thus, we can say that current is minimum at lower and higher frequency, and maximum at resonant frequency. And its condition is XL is equal to XC. Therefore, by the formula of impedance, as we know, it is equal to R square plus XL minus XC whole square. So here when XL minus XC is equal to 0, that is XL is equal to XC, then Z is pure resistive circuit and current is maximum at this situation. As we know that resonant condition is XL is equal to XC, thus is peak value of current is equal to peak voltage upon impedance. So here value of impedance is R square plus XL minus XC whole square. At resonance, XL minus XC is equal to 0, or it is given as omega RL minus 1 upon omega RC is equal to 0, or we can write omega RL is equal into 1 upon omega RC, or omega R square is equal into 1 upon LC. Or finally, we get resonant frequency is given as 1 by root LC. This is the value of resonant frequency equal to 1 upon root LC. Also, resonance frequency in terms of linear frequency can be given as 2 pi nu r equal to omega r, or nu r is equal to omega r by 2 pi. Or we can write 1 upon 2 pi root LC. Resonance linear frequency is measured in hertz and angular resonance frequency is measured in radian per second. Now let's study sharpness quality factor and bandwidth of resonance. As we have studied about resonance curve, that resonance occurs when the amplitude is maximum or larger, that is at resonant frequency,
इम्पीडेंस इज इक्वल टू प्योर रेजिस्टिव सर्किट दैट इज रेजिस्टेंस एंड द वोल्टेज इज अक्रॉस रजिस्टर ओनली. हेयर एज वी आर मूविंग टूवर्ड्स रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी द करेंट गोज ऑन इंक्रीजिंग एंड एज वी आर मूविंग अवे टू द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी द करेंट गोज ऑन डिक्रीजिंग. एंड टू अंडरस्टैंड दिस शार्पनेस लेट्स स्टडी फर्स्ट अबाउट सिलेक्टिविटी. वी यूज रेजोनेंस टू चेंज और टू ट्यून FM रेडियो और TV. सो टू चेंज चैनल इन रेडियो और TV वी सिलेक्ट चैनल एट पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी. एंड दिस सिलेक्शन इज नोन एज सिलेक्टिविटी. एंड वी चेंज चैनल बाय चेंजिंग चैनल वी आर चेंजिंग द वैल्यू ऑफ कैपेसिटर इन अ सर्किट. वी आर चेंजिंग कैपेसिटर वैल्यू. In the circuit. तो अगर कैपेसिटर की वैल्यू चेंज करने पे हमारा चैनल चेंज हो रहा है तो एक पर्टिकुलर चैनल एक पर्टिकुलर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे होगा और अगर दूसरा चैनल चेंज किया तो कैपेसिटर वैल्यू चेंज होगी और ये कर्व भी चेंज हो जाएगा. तो लेट अस सपोज ये कर्व इस तरीके से है अनदर चैनल पे और एक और पर्टिकुलर चैनल एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है जिस पे चैनल चेंज है और उसका कर्व ऐसे है. लेट अस सपोज इट इज R1, इट इज R2 एंड दिस इज R3. सो फॉर गुड सिलेक्टिविटी द रेजोनेंट कर्व शुड बी एज नैरोअर एज पॉसिबल. As well as to achieve good selectivity, the value of R should be less. That is, it should be as narrow as possible. So, we can write for good selectivity, curve should be as narrow as possible. Also, we can write that in this curve, R1 is less than R2 and R2 is less than R3. If R decreases, selectivity increases. Selectivity अगर increase हो रही है तो ये narrower होगा और उतना ही ज़्यादा sharp होगा. तो sharpness depend करती है resistance पे और selectivity पे. अगर ये जितना ज़्यादा narrower होगा तो उतना ही ज़्यादा कम interference होगा other channels से. So, R1 is most sharpest. Also, R1 has highest selectivity. Or इसमें हम ये भी लिख सकते हैं कि अगर R1 कम होगा उतना ही ज़्यादा पीक करंट होगा. सो एज इफ R डिक्रीजेस देन पीक करंट इंक्रीजेस. हेयर
एट आर वन आई एम इज मोर। नाउ लेट्स स्टडी अबाउट क्वालिटी फैक्टर एंड बैंडविड्थ ऑफ रेजोनेंस। लेट्स कंसिडर वन रेजोनेंस कर्व ऑन दिस वी विल प्लॉट बैंडविड्थ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम करेंट एट जेड इज इक्वल इन टू आर एंड नाउ चूज टू फ्रीक्वेंसीज वन बिलो दिस रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एंड अनदर इज अबव दिस रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एट सेम हाइट। They are equally spaced, that is symmetrical about this omega r. One is omega 1, another is omega 2. Their difference is same, delta omega, and this is also delta omega. So we can find lower frequency omega 1 is equal to omega r plus delta omega. And omega 2 is equal to omega r minus delta omega. And difference of omega 1 and omega 2 is equal to omega r plus delta omega minus omega r plus delta omega is equal to 2 delta omega. Called bandwidth of a circuit. Which is the width of this resonance equal to 2 delta omega. And now when current is maximum, then power dissipated in the circuit is maximum current square into R. When current is 1 by root 2 times of this Im, that is of maximum current, that is, we can say that the current is reduced by 1 by root 2 times, then power is P dash Im by root 2 whole square R. Or we can write Im square R upon 2. Im square R is P, therefore P dash is equal to P by 2. And this is the value where current is reduced by 1 by root 2 times of maximum current. Here we can say that for good selectivity in a circuit, bandwidth should be as narrow as possible. So if it is small, then selectivity will be good. For good selectivity, bandwidth should be as narrow as possible. Now let's study about quality factor.
क्वालिटी फैक्टर इज अ नंबर, इट हैज नो यूनिट एंड इट इज द रेशियो ऑफ एंगुलर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी टू द बैंडविड्थ डिनोटेड बाय क्यू इज द रेशियो ऑफ रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी टू द बैंडविड्थ ऑफ अ सर्किट कैन बी रिटन एज क्यू इज इक्वल इन टू ओमेगा आर बाय टू डेल्टा ओमेगा वेयर वैल्यू ऑफ डेल्टा ओमेगा इज इक्वल इन टू आर बाय टू एल. जस्ट रिमेंबर दिस वैल्यू. And now substitute this value in quality factor. We get Q is equal into omega R upon 2 into R upon 2L. We get omega R L by R. So if R decreases and L increases, then quality factor will also increase. Now, as Q is equivalent to omega R L by R, now here we can substitute value of resonant frequency, that is 1 upon root LC. Since omega R is equivalent to 1 by root LC. So it can be written as root L into root L, that is root L by C into 1 by R. This is also another formula for quality factor. Thus, by all these results about quality factor, we can conclude that if S Q is equal to omega R by 2 delta omega, therefore if bandwidth decreases, quality factor will be more. Bandwidth decreases, then Q is more. Second is, if bandwidth decreases, selectivity is good or greater, and thus it will increase the quality of a system. Also, if resistance is low or L is large, then quality factor is more, and circuit is more selective.